हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिमेश, और एक और पोस्टमार्टम आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, पोस्टमार्टम विद अनिमेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और एपिसोड शुरू हो चुका है, और मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी बातें हो जाए इस शॉर्ट फिल्म फुर्सत की। जी हाँ, फुर्सत में बैठकर मैंने आराम से इस मूवी को देख लिया है, इस शॉर्ट फिल्म को मैंने देखा है, और इसे लेकर हम बातें करने वाले हैं, क्योंकि चारों ओर इस वक्त फुर्सत और जिस तरह से इससे फुर्सत को शूट किया गया है उसे लेकर बातें हो रही है। तो मैंने सोचा एक इससे फुर्सत के बारे में थोड़ी सी बातें होनी चाहिए। मैंने देखी है, 30 मिनट्स की ये शॉर्ट फिल्म है, मैंने देखी है, कैसी लगी वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे पूरे फिल्म को शूट किया गया है एक सेलफोन के थ्रू। जी हाँ, आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, इससे मूवी को शूट किया गया है iPhone 14 Pro पे। सबसे पहले तो बता दूं कि एप्पल ने, आईफोन ने मुझे प्रमोशन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। ये कुछ अलग सा किया है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, अलग सा हुआ है, इसीलिए मैं इससे मूवी को लेकर, शॉर्ट फिल्म को लेकर बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्रेलर जो है वो देख लेते हैं। ट्रेलर देखते हैं, आपको ही पता चल जाएगा। याद रखिएगा, जब आप ट्रेलर देखेंगे, याद रखिएगा ये ट्रेलर पूरा जो आप देख रहे हैं ये एक फोन पर, सेलफोन पर शूट किया गया है। अगर आपको नहीं पता था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का ये वीडियो, और अगर आपको पता था तब तो और मजा आने वाला है, क्योंकि कैसी है ये शॉर्ट फिल्म फुर्सत वो मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ट्रेलर देख लेते हैं। ये क्या है? दूरदर्शक। दूरदर्शक? दूर का दर्शक ये भविष्य में झांक सकता है। नॉट अगेन प्लीज। यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई सॉ द फ्यूचर। ये देखो, 7.5 मिनट बचे हैं। 28 सेकंड, 27, 26, 25। शो मी हाउ इट वर्क्स। आपका भविष्य कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। क्या बात है, मजा आ गया। इस मूवी को, इस शॉर्ट फिल्म को मैंने देखी है, लेकिन आप देखो कि एक बार फिर से जब मैंने ट्रेलर देखा मुझे काफी अच्छा लगा है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे काफी अच्छी लगी फुर्सत। मैं काफी अच्छी का मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये सुपर डुपर हिट है, एवरेज से थोड़ी सी बढ़कर मुझे ठीक लगी है, क्योंकि जिस तरह से शूट किया गया है उन चीजों की तारीफ तो होनी ही चाहिए। तो फुर्सत के बारे में चलिए मैं आपको अब एक एक करके बताने वाला हूँ। फुर्सत जो है वो एक शॉर्ट फिल्म है, मोबाइल पर इस मूवी को शूट किया गया है, यानी कि iPhone 14 Pro के थ्रू इसे शूट किया गया है एक फोन से। आप समझ सकते हैं कि 30 मिनट की ये पूरी जो शॉर्ट फिल्म है उसे शूट की गई है। नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी बहुत सारे मूवीज जो है फॉरेन में तो बहुत सारे शूट हुए हैं। इंडिया की बातें करें तो टॉलीवुड में ही, यानी कि बंगाली फिल्म में भी ऐसा पहले भी रिंगो कर चुके हैं। एक पूरी मूवी उन्होंने शूट की थी, और कुछ दिन पहले ही वो मूवी रिलीज हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उस मूवी को भी देख सकते हैं। तो बंगाली मूवी में ऐसा हो चुका है, पहले एक फोन के थ्रू उन्होंने सैमसंग फोन यूज किया था, और उसके थ्रू उन्होंने एक मूवी शूट की थी। और अब बातें हो रही है फुर्सत की, जिसे डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने, यानी कि iPhone 14 Pro जो था उनके हाथों में था, और उन्होंने शूट की और बना डाली फुर्सत है। जी, अब फुर्सत एक 30 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है, लेकिन हाइप जो क्रिएट हुआ है वो हुआ है भारद्वाज, ये टैग जो भारद्वाज और खट्टर का लग गया है इसके कारण बहुत ज्यादा इसे हाइप मिली है, लोगों तक पहुंच गई है ये बात, और सभी जान गए हैं कि फुर्सत एक शॉर्ट फिल्म है जिसे शूट किया गया है फोन के थ्रू। फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज की ये कमबैक है, 6 साल तक वे नजर नहीं आए, उन्होंने किसी उनकी कोई मूवी रिलीज नहीं हुई, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट किया है इस शॉर्ट फिल्म फुर्सत को। ईशान खट्टर जो है वो भी नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे किरदार में नजर आए हैं, उनका कैरेक्टर जो है मुझे काफी पसंद आया है फुर्सत में। तो अभी आपने ट्रेलर में एक झलक भी उनकी देखी है, और विशाल भारद्वाज और ईशान खट्टर तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मूवी का जो, इस शॉर्ट फिल्म का जो हीरो है वो है आईफोन 14
14 प्रो, जो सेलफोन जिसे यूज किया गया है, वो यार हीरो है। 30 मिनट की ये लॉन्ग म्यूजिकल जर्नी दिखाई गई है, म्यूजिकल फिल्म है, जिसे स्ट्रीमिंग इसकी हुई है, यानी कि इसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर इसे लॉन्च किया गया था और अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को पसंद आया है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ नया होता है तो मुझे लगता है कि उसे सपोर्ट करना चाहिए। खैर, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यूट्यूब पर आपको फुर्सत मिल जाएगी, इस फोन के जो यूट्यूब चैनल है वहीं पर आपको मिल जाएगी आईफोन के, तो आप आराम से देख सकते हैं जाकर वहाँ पे, जैसे मैंने देखा है, आपको भी पसंद आएगी, फुर्सत हो तो जरूर देखिए। इस मूवी में ईशान खट्टर जो नजर आए हैं वो यंग आर्कोलॉजिस्ट हैं, और उनका दिल टूट जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है इस मूवी में वो दिखाया गया है। तो जो आपने देखा अभी ट्रेलर, उससे भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। ज्यादा मैं बताना चाहता हूँ, 30 मिनट की मूवी है, और ये बोलना शुरू करूँ तो एक सीन आपको बता दूंगा। ओके, अगर मैं इस फोन की बातें करूं तो इनके मार्केटिंग जिस तरह से की गई है उसकी तो यार तारीफ करनी चाहिए। 2021 में, लास्ट ईयर, 2 साल पहले ही, एप्पल ने ये कैंपेन शुरू किया था, आपको याद होगा, शूट ऑन योर ऑन एन एप्पल, और बहुत बड़े बड़े आपने होर्डिंग्स इसके देखे होंगे। iPhone 13 Pro को प्रमोट करते हुए उन्होंने शुरू किया था, और देखिए आज एक उन्होंने फिल्म बना डाली है। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है जो दिखाया गया है कि आईफोन क्या क्या कर सकता है, इसे दिखाने के लिए ये मूवी जो है तैयार की अगर इस गई है। मूवी के यूएसपी की हम बातें करें तो जिस तरह से सिनेमैटिक मोड को यूज किया गया है iPhone 14 Pro का, उसकी थोड़ी सी यार हमें प्रशंसा करनी ही चाहिए। फ्लाई डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट जो है वो भी काफी अच्छा है इस शॉर्ट फिल्म में आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी चीज है जो एक्शन मोड जो है वो काफी अच्छा है। एक्शन मोड है यानी कि लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जब चलते हैं, हम जब मूव करते हैं, वो आप अगर फोन के थ्रू आप लेंगे तो एक जर्किंग होगी, एक शेकिंग होगा, एक हिलेगा, कैमरा हिल जाएगा, ये होता है। तो ये नॉर्मली 100% हर कैमरा में होता है, लेकिन इस कैमरे में ऐसा नहीं होता है। एक्शन मोड जो है वो दिया गया है, तो शेकिंग हो, वाइब्रेशंस हो, या फिर अदर मोशंस हो, वो बिल्कुल स्मूथ चलता रहेगा। यानी कि आप कुछ भी कर लें, आपका कैमरा जो हिल नहीं रहा है, आपका सीन जो है वो हिल नहीं रहा है, आपकी वीडियो जो है बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। ये एक स्पेशलिटी है इस कैमरे की, इसीलिए इसे शूट किया गया है, एक पूरी फिल्म शूट कर दी गई है। 4K सपोर्ट करता है at 30 FPS से, साथ ही साथ 4K ऑफ at 24 FPS इन वीडियोज ये सपोर्ट करता है, इसीलिए तो मूवी बनाया बनाई है विशाल भारद्वाज ने। ट्रेडिशनल जो कैमरास होते हैं, जो ट्रेडिशनल कैमरा जो यूज किए जाते हैं अभी भी फिल्मों में, जो यूज होते हैं, वो उसके लिए 10 लोग लगते हैं, मिनिमम 10 लोग लगते हैं। कैमरा जो यूज किया जाता है, 2-3 कैमरा जो यूज किया जाता है, 3 अटेंडेंट्स लगते हैं, और साथ ही साथ 10 बॉक्सेस ऑफ लेंसेज लगते हैं। जी हाँ, छोटे बड़े लेंस जो है वो यूज किए जाते हैं, तो 10 बॉक्स उसके रहते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि इतना कुछ यूज हो रहा है, इसको एकदम छोटा करके एक फोन में सब कुछ हो जा रहा है, तो ये करके दिखाया विशाल भारद्वाज ने, तो उनकी तारीफ जो है वो करनी चाहिए। चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि फुर्सत मूवी मुझे कैसे लगी। फुर्सत मूवी मुझे एवरेज से थोड़ी सी अच्छी लगी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट था, मुझे देखना था कि आखिरकार ये फुर्सत मूवी में क्या दिखाया गया और किस तरह से शूट हुई है। मैं कहानी पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा था, मैं देख रहा था सीन कैसे निकल रहे हैं, और बड़े अच्छे लगे मुझे। आपको समझ ही में नहीं आएगा कि एक पूरी मूवी को शूट कर लिया गया है फोन के थ्रू। तो इसके लिए तो हैट्स ऑफ टू विशाल भारद्वाज, हैट्स ऑफ टू आईफोन जो ये फोन निकाला है गया है। साउंड ट्रैक की बातें करें तो मुझे म्यूजिक तो अच्छे लगेंगे, भारद्वाज के म्यूजिक, वो तो अपने म्यूजिकल उनकी मूवीज में अच्छे अच्छे म्यूजिक रहते हैं, तो ब्रिलियंट साउंड ट्रैक जो है वो ब्रिलियंट है। कोरियोग्राफी की बातें करें तो सुपर अच्छा लगा है मुझे। डायरेक्शन माइंड ब्लोइंग, जिस तरह से पहली बार कुछ होता है तो वो तो सबसे पहले उसको क्रेडिट देना ही चाहिए, उन्होंने अपने से इस मूवी को शूट किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे अगर आप कहें तो मुझे ये मूवी एवरेज से थोड़ी अच्छी लगी है। स्टोरी की मैं बातें नहीं करूंगा, ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी है, देख सकते हैं। अगर आप फिल्म लाइन के जुड़े हुए हैं, अगर आप मूवीज देखना आपको पसंद है, अगर आप किसी तरह भी एक्टिंग या किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये मूवी काफी कुछ सिखाएगी, इसके लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो मैं एनिमेश फुर्सत मूवी को, जिसे शूट किया गया एक सेल फोन के थ्रू, उस मूवी को जिसे डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने, ईशान खट्टर नजर आ रहे हैं, इस मूवी को मैं देने वाला हूँ 3.5 out of 5। जी हाँ, 3.5 out of 5। ये मूवी आप देख सकते हैं, फुर्सत में हो, जिस दिन कोई काम नहीं हो, 30 मिनट आपके पड़े हुए हैं, आप सोच नहीं पा रहे हो क्या करना है, तो यूट्यूब पर
फ्री पर, फ्री में ही आप देख लो, फुर्सत है, अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि कुछ नया किया गया है तो मुझे लगता है कि उसे सपोर्ट करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, ये था पोस्टमार्टम मूवी फुर्सत का, तो आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताइएगा, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मुलाकात होगी एक और वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।